बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे ऑथेंटिकेशन मॉडल्स क्या होते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या है, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यूजर्स डेट रिक्वेस्ट एक्सेस टू ए सिस्टम, नेटवर्क और डिवाइस। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि यूज़र को आइडेंटिफाई करना, ये यूज़र जो है जो सिस्टम को असेस करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। एक नेटवर्क को असेस करने की कोशिश भी या डिवाइस को, इसे कहेंगे ऑथेंटिकेशन है। तो एसेस कंट्रोल ऑफन डिटरमाइंस यूज़र आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू क्रीडेंशियल्स लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स। असेस कंट्रोल्स होते हैं जो वो आपको बताते हैं यूज़र आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्पफुल होते हैं। वो असेस कंट्रोल कौन से हैं, जिस तरह हमारे पास यूज़र नेम है और पासवर्ड है, इससे जो है हम यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदर ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजीज लाइक बायोमेट्रिक्स एंड ऑथेंटिकेशन एप्स आर आल्सो यूज्ड टू ऑथेंटिकेट यूज़र आइडेंटिटी। इसके अलावा हमारे पास और जो है ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजीज भी मौजूद हैं, जिस तरह बायोमेट्रिक्स हैं और बेसिकली ऑथेंटिकेशन एप्स हैं, उसके ज़रिए भी हम यूज़र की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, वाई इज़ यूज़र ऑथेंटिकेशन इम्पोर्टेंट? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, यूज़र ऑथेंटिकेशन इज़ ए मेथड डैट कीप्स अनऑथराइज यूज़र फ्राम असेसिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी इसका मकसद ये है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमारा मकसद ये है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जिसे हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं, उनको जो अनऑथोराइज यूज़र हैं उनसे हमने उसको अवॉइड करना है, कि अनऑथोराइज यूज़र जो है उनको असेस प्रोवाइड आपने नहीं करनी है। इसलिए जो है यूज़र ऑथेंटिकेशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे, यूज़र ए ओनली हैज़ एसेस टू रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड कैन नॉट सी द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ यूज़र बी। यूज़र ए जो है वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन दे सकता है और यूज़र बी की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो देख नहीं सकता, इसे कहेंगे यूज़र ऑथेंटिकेशन जो है इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम कह सकते हैं साइबर क्रिमिनल्स कैन गेन एक्सेस टू ए सिस्टम एंड स्टील इंफॉर्मेशन व्हेन यूज़र ऑथेंटिकेशन इज़ नॉट सिक्योर। बात का ये होता है कि आपकी ऑथेंटिकेशन जो है वो सिक्योर नहीं होती, तो क्या होता है, बेसिकली जो क्रिमिनल्स होते हैं जो वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है सिस्टम को एक्सेस भी कर लेंगे और इंफॉर्मेशन को स्टील भी कर लेंगे। तो इसलिए हाँ, ये जो ऑथेंटिकेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। डेटा ब्रिचेस कंपनीज लाइक अडोब, इकोफैक्स एंड याहू फेस्ड आर एग्जांपल्स आर व्हाट हैपन्स व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस फेल टू सिक्योर देयर यूज़र ऑथेंटिकेशन। ये तीन कंपनीज हैं, अडोब है, इकोफैक्स है और याहू वाले हैं, इन्होंने ये जो है प्रॉब्लम फेस किए हैं कि डेटा इनका ब्रीच हो गया था तो यूज़र ऑथेंटिकेशन को ये वो सिक्योर करने में नाकाम हो गए थे। तो बेसिकली ये तीन कंपनीज हैं, ये सब जानते हैं, ये जो एडोब वाले हैं, इकोफैक्स वाले हैं, याहू फेस्ट वाले हैं, इनका डाटा जो है वो आप स्टील हो गया था। तो क्यों स्टील हो गया था? यूज़र ऑथेंटिकेशन को की वजह से, नाकामी की वजह से। तो हैकर्स गेन एक्सेस टू याहू यूज़र अकाउंट्स टू स्टील कंटेंट्स, कैलेंडर्स एंड प्राइवेट ईमेल्स बिटवीन 2012 एंड 2016। भाई 2012 से लेके 2016 के दौरान हुआ क्या था कि हैकर्स ने याहू यूज़र अकाउंट हैं इनके कंटेक्ट भी स्टील कर दिए थे, कैलेंडर भी स्टील हो गए थे और प्राइवेट ईमेल जो थी वो भी उन्होंने आपकी स्टील कर दी थी। इसी तरह इकोफैक्स वाला डेटा जो था ब्रीच हुआ था 2017 में, एक्सपोज क्रेडिट कार्ड डेटा ऑफ मोर देन 147 मिलियन कंज्यूमर्स। 147 मिलियन कंज्यूमर थे जिनके क्रेडिट कार्ड डाटा का वो एक्सपोज हो गया था, ब्रीच हो गया था, उन्हें स्टील हो गया था। विदाउट ए सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एनी ऑर्गेनाइजेशन कुड बी एट रिस्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाब नहीं हो सकती, हमेशा रिस्क भी होती है। ऑथेंटिकेशन मॉडल्स कौन कौन से हैं या ऑथेंटिकेशन मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर वन पे है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो सबसे जो वीकेस्ट जो है वो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। पासवर्ड आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। और एक बात आप याद रखें, जब भी आप पासवर्ड दें तो ये कम्बिनेशन होना चाहिए स्ट्रिंग का,
स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स का, नंबर्स का या स्पेशल कैरेक्टर्स का। हम ये करते हैं कि सिर्फ नंबर दे देते हैं या बाज़ का हम लेटर दे देते हैं, ठीक है जी। तो हमेशा तीनों के कॉम्बिनेशन रखें, इससे आपका जो है पासवर्ड सिक्योर रहेगा। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ यू नीड टू क्रिएट स्ट्रांग पासवर्ड दैट इंक्लूड ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑप्शन। और एक बात याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोटेक्ट रहें तो आपने जो पासवर्ड देना है वो स्ट्रांग पासवर्ड आपने चूज़ करना है। तो बेसिकली स्ट्रांग पासवर्ड क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ ऑल, यानी स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स। हाउएवर पासवर्ड्स आर प्रोन टू फिशिंग अटैक्स एंड बैड हाइजीन दैट बिकम्स अफेक्टिवनेस। एन एवरेज पर्सन हैज़ अबाउट 25 डिफरेंट ऑनलाइन अकाउंट्स, बट ओनली 54% ऑफ यूजर्स यूज डिफरेंट पासवर्ड्स अक्रॉस देयर अकाउंट्स। और एक बात अब यार, कि फर्ज करें एक पर्सन है वो 25 जो है ऑनलाइन अकाउंट्स को वो यूज़ कर रहा है, लेकिन वो 54% जो है यूज़र जो हैं वो आपके डिफरेंट पासवर्ड को यूज़ करते हैं। जो आपके रिमेनिंग है यानी 46 जो हैं वो एक ही पासवर्ड जो है वो हर जगह पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी एक आपने, इसको भी आपने करना है क्लियर कि हमेशा जो है वो डिफरेंट पासवर्ड जो है हर जगह यूज़ करें, ठीक है जी। द ट्रूथ इज दैट देर आर लॉट ऑफ पासवर्ड टू रिमेंबर, एज अ रिजल्ट मैनी पीपल चूज कन्वीनियंस ओवर सिक्योरिटी। देखिए ये तो हकीकत है कि हमें काफ़ी जो पासवर्ड है वो याद रखने पड़ते हैं, जिसके नतीजे में लोग जो होते हैं वो कन्वीनियंस चाहते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। मोस्ट पीपल यूज सिंपल पासवर्ड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग रिलायबल पासवर्ड बिकॉज दे आर ईजियर टू रिमेंबर। अब लोग मसला ये प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रहा है कि लोग चाहते हैं कि हमें सिंपल पासवर्ड रखें ताकि हमारे हमें याद भी रहे। तो अगर वो डिफ़िकल्ट पासवर्ड रखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखते हैं, उन्हें याद नहीं आता, फिर वो ये मसला प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। द बॉटम लाइन इज दैट पासवर्ड हैव ए लॉट ऑफ वीकनेसेस एंड आर नॉट सफिशिएंट इन प्रोटेक्टिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। और एक बात याद रखें, जो बॉटम लाइन है कि पासवर्ड की, वो है वीकनेसेस हैं कि आर नॉट सफिशिएंट इन प्रोटेक्टिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, और ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। हैकर्स कैन ईजली गेस यूजर क्रीडेंशियल बाय रनिंग थ्रू ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन अंटिल दे फाइंड ए मैच। और एक बात आपको बता दें, हैकर जो हैं वो पासवर्ड को तमाम कम्बिनेशन को गेस करके, जो आपके क्रीडेंशियल्स होते हैं उनको गेस करके आपके तमाम जो है वो पासवर्ड को मैच कर सकते हैं। तो बेसिकली इसलिए सबसे जो वीकनेस जो है मेथड है वो यही है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। नंबर सेकंड भी आते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज एन ऑथेंटिकेशन मेथड दैट रिक्वायर्स टू और मोर इंडिपेंडेंट वेज टू आइडेंटिफाई ए यूज़र। इसमें क्या होता है कि आप एक यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन उसमें आप टू और मोर इंडिपेंडेंट वेज को अडॉप्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स इंक्लूड्स कोड जनरेटेड फ्रॉम द यूज़र स्मार्टफोन। जो आपका स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो उसके जो उससे कोड जनरेट होता है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यूज़र को। नंबर दो पे है कैप्चा टेस्ट होता है, उससे आप यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर थर्ड पे फिंगरप्रिंट्स होती हैं, उससे आप कर सकते हो आइडेंटिफाई यूज़र को। और जो है फेशियल रिकग्निशन जो होती हैं, फेस को रिकग्नाइज करके हम जो है वो भी कर सकते हैं, यूज़र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। MFA ऑथेंटिकेशन मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ यूज़र बाय एडिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। और आपको ये बता दें, MFA जो मेथड जो ये वाला मेथड जो है, ये मॉडल जो है, ये सिक्योरिटी जो है उसको बेहतर करता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स को ऐड करके आप सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं। MFA मे बी ए गुड डिफेंस अगेंस्ट मोस्ट अकाउंट हैक्स। और ये अच्छा डिफेंस है जितने भी अकाउंट के हैक्स हैं होते हैं हैकर, बट इट हैज इट्स ओन पिटफॉल्स। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, वो क्या हैं? पीपल मे लूज देयर फोन्स और सिम कार्ड आर नॉट बी एबल टू जनरेट ऑथेंटिकेशन कोड। इसका ड्रॉबैक एक ही है, अगर आपसे आपका फ़ोन जो है वो लूज हो गया है या सिम कार्ड आपका लूज हो गया है, तब आप जो ऑथेंटिकेशन कोड जो है वो जनरेट नहीं कर सकेंगे। नंबर थर्ड पे है जी सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इन सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई करते हैं यूज़र को, मशीन्स को या डिवाइसेस को बाय यूजिंग डिजिटल सर्टिफिकेट्स। यानी डिजिटल सर्टिफिकेट से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं ये यूज़र है। डिजिटल सर्टिफिकेट जो है बेसिकली वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ए ड्राइवर लाइसेंस और ए पासपोर्ट।
यानी जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बेस कर रहा है पासपोर्ट के ऊपर, जो बेस कर रहा है ड्राइविंग ड्राइवर्स लाइसेंस के ऊपर, उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द सर्टिफिकेट कंटेन्स द डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर। सर्टिफिकेट जो होता है उसमें यूजर की डिजिटल आइडेंटिटी होती है इंक्लूडिंग ए पब्लिक की एंड द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। ये दो चीज़ें होंगी उसमें, एक तो वो सर्टिफिकेट में पब्लिक की होगी और नंबर दो पे डिजिटल सिग्नेचर होंगे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के। डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रूव द ओनरशिप ऑफ ए पब्लिक की एंड इशूड ओनली बाय ए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो प्रूव द ओनरशिप को जाहिर करते हैं पब्लिक की और इशू करते हैं ओनली की जाते हैं सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से, वो इशू की जाते हैं। जो एक अथॉरिटी होगी वही इसे इशू करेगी, दूसरा बंदा इसे इशू नहीं कर सका और ऑनरशिप को भी वो जाहिर करेंगे। यूजर्स प्रोवाइड देयर डिजिटल सर्टिफिकेट्स व्हेन दे साइन इन टू ए सर्वर। यूजर जो होते हैं वो डिजिटल सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करते हैं, जब वो साइन इन होते हैं एक सर्वर के साथ, इन होंगे तब वो डिजिटल सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करेंगे। द सर्वर वेरीफाइज करेगा क्रेडिबिलिटी ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर्स की एंड द सर्टिफिकेट अथॉरिटी की। जो उनके डिजिटल सिग्नेचर हैं और जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, दोनों को वो वेरीफाई करेगा। द सर्वर देन यूजेज क्रिप्टोग्राफी टू कन्फर्म डेट द यूजर हैज़ ए प्राइवेट की एसोसिएटेड विद द सर्टिफिकेट। जो सर्वर होगा फिर वो क्रिप्टोग्राफी को इस्तेमाल करते हुए वो कन्फर्म करेगा यूजर जो है वो उसके करेक्ट करेक्ट प्राइवेट की एसोसिएटेड है, सर्टिफिकेट के साथ जो उसने की लगाई हुई है वो बिल्कुल करेक्ट है। नंबर फोर पे आते हैं जी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होती है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज ए सिक्योरिटी प्रोसेस डेट रिलाइज ऑन द यूनिक बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। हियर आर की एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजीज। और एक बात आपको बताएं, सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है ऑथेंटिकेशन का, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इजली कंपेयर टू ऑथोराइज फीचर्स सेव्ड इन ये डेटाबेस। बेसिकली होता ये है, हम बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको हम डेटाबेस में सेव कर देते हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैन कंट्रोल फिजिकल असेस व्हेन इंस्टॉल्ड ऑन गेट्स एंड डोर्स। जब हम इसको गेट्स के ऊपर या डोर्स के ऊपर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ से हम जो है फिजिकल असेस जो है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है वो फिजिकल असेस को कंट्रोल कर सकती है। यू कैन ऐड बायोमेट्रिक्स इन टू योर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। जो हमने पहले डिस्कस किया है उसमें भी आप बायोमेट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजीज आर यूज बाय कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट कॉरपोरेशंस इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स, मिलिट्री बेसिस एंड नेशनल बॉर्डर्स। यानी ये जो प्रोसीजर है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का, ये हर जगह हम यूज़ किया जा रहा है। कंज्यूमर भी यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही है, प्राइवेट कॉरपोरेशन वाले भी यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह एयरपोर्ट्स है, मिलिट्री बेसिस वाले यूज़ कर रहे हैं और नेशनल बॉर्डर जो है वो भी इनको यूज़ कर रहे हैं। कॉमन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड इंक्लूड, अब उसमें कौन कौन से होते हैं। नंबर वन पे है फेस रिकॉग्नाइज है, उसमें हम डिफरेंट फेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करते हैं ताकि फिर हम उसको असेस करते हैं। फेस रिकग्निशन जो है वो इनकन्सिस्टेंट है व्हेन कंपेयरिंग फेसेस एट डिफरेंट एंगल। जब आप फेस को डिफरेंट एंगल से कंपेयर करते हो तब जो है वो आपको असेस नहीं मिलेगी। ये इसमें प्रॉब्लम आता है फेस रिकग्निशन में। इसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होते हैं मैच करते हैं यूनिक पैटर्न्स ऑन इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट्स। सम न्यू वर्जन्स ऑफ फिंगरप्रिंट स्कैनर्स कैन इवन असेस द वेस्कुलर पैटर्न इन पीपल फिंगर्स। फिंगरप्रिंट स्कैनर्स आर करंटली द मोस्ट पॉपुलर बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी फॉर एवरी डे कंज्यूमर्स। डिस्पाइट देयर फ्रीक्वेंट इनएक्यूरेसीज दिस पॉपुलैरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू आईफोन्स। ये जो पॉपुलैरिटी है इसको हम आईफोन के साथ एट्रीब्यूट करते हैं। जो फिंगरप्रिंट्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है जी, मोस्ट जो पॉपुलर बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है वो आजकल फिंगरप्रिंट्स है। आजकल जो है नए स्कैनर जो है वेस्कुलर पैटर्न को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उससे भी आप जो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजर को। वॉइस आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, वॉइस आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी एक मुमकिन है, उसको भी आप जो है एक आई स्कैनर्स हैं यानी आई आपका रेटिना जो होता है, आइरिस रिकॉग्निशन और रेटिना जो है वो स्कैनर मौजूद हैं जिसके जरिए जो है रेटिना के जरिए आप रेटिना मैच कर सकते हैं आई का, और आइरिस रिकॉग्निशन के जरिए आप जो है वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये तमाम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में आएंगे। लास्ट पे है जी टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है।
टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजीज इनेबल यूजर टू इंटर देयर क्रीडेंशियल्स वंस। एक दफा आप क्रीडेंशियल अपने इंटर करते हैं एंड रिसीव ए यूनिक इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स इन एक्सचेंज। और जवाब में क्या मिलता है आपको, एक जो है रैंडम कैरेक्टर्स की इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग जो है वो आप रिसीव आपको होगी। यू कैन देन यूज द टोकन टू असेस प्रोटेक्टेड सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंटरिंग योर क्रीडेंशियल्स ऑल ओवर अगेन। फिर आप वही जो टोकन आपको मिला है उस टोकन को आप इस्तेमाल करोगे किसी असेस करने के लिए प्रोटेक्टेड सिस्टम को। द डिजिटल टोकन प्रूव्स दैट यू ऑलरेडी हैव असेस परमिशन। डिजिटल टोकन आपको यह साबित करेगा कि आपको ऑलरेडी परमिशन दे दी गई है। यूज केसेस ऑफ टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन इंक्लूड रेस्टफुल APIs डेट आर यूज बाय मल्टीपल फ्रेमवर्क्स एंड क्लाइंट्स। ये हमारे पास जो है कुछ ऑथेंटिकेशन है जिस तरह रेस्टफुल APIs हैं वो हम यूज करते हैं मल्टीपल फ्रेमवर्क से और क्लाइंट से यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद इसके कंक्लूजन क्या है, ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज चेंजिंग। हमने ये डिसाइड किया है, ये कंक्लूड किया है जो ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है। बिजनेसेस हैव टू मूव बियॉन्ड पासवर्ड्स एंड थिंक ऑफ ऑथेंटिकेशन एज ए मीन्स ऑफ इन्हांसिंग यूजर एक्सपीरियंस। और जो बिजनेसमैन हैं वो अब पासवर्ड से आगे की सोच रहे हैं, आगे को मूव कर रहे हैं। पासवर्ड जो है वो सिक्योर मेथड नहीं है, पहले आपको मैंने बता चुका हूँ। इससे आप जो बायोमेट्रिक जो है वो सबसे ऑथेंटिकेशन मेथड है। ऑथेंटिकेशन मेथड लाइक बायोमेट्रिक्स एलिमिनेट द नीड ऑफ ए रिमेंबर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। और आपको ये बात बता दें कि जो पासवर्ड है उसको जो लॉन्ग पासवर्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होते हैं उनको याद करने की जरूरत होती है। अब उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब बायोमेट्रिक्स ने जो है इन सबको ख़त्म कर दिया है कि अब पासवर्ड अब जो है वो यूज़ करने की जरूरत नहीं है, अब बायोमेट्रिक्स को यूज़ करें। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्हांस ऑथेंटिकेशन मेथड्स and technologies, attackers will not be able to exploit passwords and data breach will be prevented. अब जो है attacker जो है वो क्या हुआ है, उन्हें पासवर्ड को एक्सप्लोर करने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि हमने वही काम जो है हम बायोमेट्रिक्स से कर रहे हैं और डेटा ब्रीच जो है उसे हम प्रिवेंट कर किया जा सकता है। अब बायोमेट्रिक से अगर आप चाहते हैं डेटा आपका जो है स्टील ना हो, डेटा आपका ब्रीच ना हो, तो बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन जो है ऑथेंटिकेशन जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको जो है इसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको रिसीव हो जाएँ।